नमस्कार, मैं हूं सुदफ खान। आप देख रहे हैं News 21 TV। आइए देखते हैं ये खास खबर। जी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन संजय भारद्वाज ने कहा कि शिक्षा ही सफल जीवन जीने का मंत्र है। शिक्षा ही हमें जीवन जीने का सलीका सिखाती है और हमें अच्छे और बुरे का एहसास कराती है। लेकिन उन्होंने कहा कि शिक्षा पर सरकार के साथ साथ हम सभी को काम करने की जरूरत है और विदेशी शिक्षा की तरफ ना भागते हुए हमें अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। आज के इस युग में सबसे दुखद बात यह है कि आज गुरु और शिष्य के बीच वो भावना नहीं रही जो पुराने समय में रहा करती थी। चेयरमैन MG शिक्षा समिति जैनापुर। शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए, सुझाव दें। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए थोड़ा सा मेरे हिसाब से आज से 15 साल पहले जो एक नियम था, अध्यापकों को थोड़ी सी इंडिपेंडेंसी थी और जब से ये सरकार ने कानून बनाया कि वे छात्रों को बिल्कुल भी पनिश नहीं करोगे, अगर लेट आता है लेट आने दो, जब जाता है जाने दो, ना मुर्गा बनाना, ना हाथ खड़े करवाने, ना कोई मारना पीटना, उससे क्या है बच्चों में टीचर के प्रति जो भय है वो कम हो गया। और जिस दिन से ये सारे कानून बने उसी दिन से शिक्षा का स्तर, शहरों का तो मुझे पता नहीं, देहात का स्तर बार बार लगातार नीचे गिरता जा रहा है। नैतिक मूल्यों में गिरावट, जिम्मेदार कौन, शिक्षक, समाज या अभिभावक? नैतिक मूल्यों में जो गिरावट आ रही है इसके जिम्मेदार हम सभी समाज का ही हिस्सा है, शिक्षक भी समाज का ही हिस्सा है, समाज भी। लेकिन आज जो पेरेंट्स है, सबसे पहली जो जिम्मेदारी बनती है नैतिक मूल्यों की वो अभिभावक की बनती है। माँ सबसे पहली गुरु है। अगर मेरे जहाँ तक मानना है, माँ जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले बोलना सिखाती है, बेटा ऐसे करना है, ऐसे करना है। जहाँ तक मेरे अपने बच्चों का सवाल है, हमने जब बच्चों की परवरिश की है, अपने दो बच्चे हैं मेरे, तो शुरू से ही उन्हें बताया कि बेटा ये गलत है, ये सही है, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, आप कहकर बोलते हैं, जी लगाते हैं। और हमारे गांव में, समाज में अनपढ़ता इतनी है, वो लोगों को खुद ही नैतिकता का ज्ञान नहीं है, वो बच्चों को कहाँ से ज्ञान देंगे। उसके बाद जिम्मेदारी होती है स्कूल की, शुरू स्कूल वालों को भी बच्चों में नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहिए। और जो हमारे टीचर्स हैं, आजकल टीचर शिक्षक के स्तर में भी लगातार गिरावट आती जा रही है। पहले एक समय होता था, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, आपको सुन भी रखी होगी। एक पेरेंट्स जाता है स्कूल में और वो अध्यापक से कहता है कि मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, मीठा बहुत खाता है, आप मीठा खाने के लिए मना करिए इससे। तो उस समय के जो शिक्षक थे उन्होंने कहा था जी मैं आज मना नहीं करूँगा, एक हफ्ते बाद मैं आपके बच्चे को समझाऊँगा। तो कारण क्या था कि वो शिक्षक भी जो है मीठा ज़्यादा खाता था, गुड़ ज़्यादा खाता था। तो जब शिक्षक ने सोच लिया ए भाई अब मैं गुड़ नहीं खाऊँगा और प्रण कर लिया, तब जाकर बच्चे को बताया। लेकिन हमारे शिक्षकों में ही नैतिकता का पतन है। आज दिन रात सुनते हैं किसी शिक्षक ने दूसरी क्लास की छात्रा से छेड़छाड़ की, पांचवी क्लास की छात्रा से छेड़छाड़ की, बल्कि ये कुर्सी तो ऐसी है अगर इसमें आपका रिश्ता नाता कोई भी है, गुरु का दर्जा तो भगवान से ऊपर है, आप उन बच्चों को इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, क्या शिक्षा देंगे। यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कौन सी क्लास से, नहीं तो क्यों? यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में तो शामिल होना चाहिए, लेकिन जो मेरा अपना मानना है वो 6th क्लास से शुरू होना चाहिए। छोटी क्लासों में तो जो टीचर्स हैं, जो माँ बाप है, पहला रोल माँ बाप का है। माँ बाप क्योंकि बच्चा छोटा होता है, आजकल सुनने में आ रहा है बड़ी शर्मिंदगी का विषय है, छोटे छोटे बच्चे यौन शोषण का शिकार है, उनको गलत तरीके से छूना उनको बताना चाहिए, भाई ये तुम्हारे लिए गलत तरीके से छूना, ये सही तरीके से। क्योंकि आजकल समाज में जो हो रहा है वो बजाय दूसरे करने के अपने ज़्यादा कर रहे हैं जो परिचित है।
और अपने बच्चों पे लगातार ध्यान रखना, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बच्चों से दोस्ताना व्यवहार करना, उन्हें पूछना भाई तुम तो अंकल के पास गए थे अंकल ने तुम्हें कहाँ कहाँ से छुआ कहाँ से नहीं छुआ, फिर उन्हें बताएं भाई ये बैड टच है ये गुड टच है। उसके बाद सिक्स क्लास से, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा पढ़ना सीख जाता है, तो सिलेबस में सिक्स क्लास से शुरू करना चाहिए और उसमें बच्चों को यौन शिक्षा देनी चाहिए बिना किसी शर्म के।